नमस्कार, ओम शांति। अन्नपूर्णा रसोई में मित्रों आपका स्वागत है। स्वागत इसलिए कर रही हूं ताकि आप हमारी रेसिपी देखें, रेसिपी को समझें और उसे अपने घर में बनाएं। बार बार कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपने घर में बनाएं, बाहर से मंगवाकर ना लेकर आएं, अपने परिवार को बाहर की चीजें ना खिलाएं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आप अपने घर में बनाएंगे, कैसा भी होगा, टेढ़ा मेढ़ा, उल्टा सिलटा, मोटा पतला, जैसा भी है, आप अपने घर में बनाएंगे, अच्छा बनेगा। तो मैंने जिनका परिचय आपको पहले भी दिया हुआ था कि वो 15 साल से इस किचन में सेवाएं दे रहे हैं, अभी भी वो समर्पित रूप से ही सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे रहे हैं। आज वो क्या रेसिपी लेके आए हैं, ये हम उनके मुख के द्वारा और उनके हाथों के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे, वो कितनी मात्रा में उसमें डालते हैं। आइए स्वागत करते हैं चंद्र नारायण जी का। भाई जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। धन्यवाद जी, आपने कई रेसिपी हमको बनाकर खिलाई। आपसे ज्यादा वार्तालाप ना करते हुए सिर्फ आपसे यही पूछती हूँ कि आज आप क्या बनाने जा रहे हैं। आज जो है हमारे रेसिपी है, टमाटर भर के बनाएंगे पनीर डाल के। टमाटर भर के पनीर, माना टमाटर में पनीर भर के बनाएंगे। लेकिन वो तो उसके अंदर जो बीज पानी वो सब हम निकाल देते हैं। अच्छा, वो निकाल देते हैं, वो फिर वैसे का वैसा ही रहता है। हाँ, वैसा ही से। फटता नहीं है? नहीं फटता है। और गलता भी नहीं। जैसे कि कभी ऐसा होता है कि पक जाते हैं, गलते नहीं, गलता नहीं है, मतलब वो पनीर बाहर नहीं आता है। उसमें क्या क्या सामग्री लगती है आपकी? उसमें हम पहले पनीर है कद्दूकस करके जी, इसको रख लिए हैं। उसके बाद ये अदरक है, थोड़ा मिर्ची भी है जी, ये थोड़ा धनिया है जी, बस इतने ही चीज इसमें डालेंगे। और नमक जी, इसमें हम ये नमक है, नमक भी डालेंगे जी स्वाद अनुसार से जी। फिर थोड़ा जीरा डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला डालेंगे जी, ये गरम मसाला जी, है जी जी, बस हो गया। ये क्या है, इसको आपने रखा हुआ है? ये है दालचीनी पाउडर है, इसको दालचीनी पाउडर। हाँ, इसको हम बाद में जब सब्जी बन जाते हैं ना उस समय में हम डालेंगे उसमें जी रस में। तो अभी शुरू करें। आपने मैदा किस लिए ले? ये बेसन है। ये बेसन जब हम रस बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा डालेंगे जी। और ये टमाटर की ग्रेवी है, ग्रेवी है, ये भी हम बनाएंगे अभी। प्रोसीजर रेडी है आपका? प्रोसीजर कुछ अलग ही नजर आ रहा है। और ये मुझे लगता है कि ये पहली डिश है जो, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में ये डिश हो सकता है होगी भी, लेकिन मैंने सर्च भी किया है, जहां तक है नहीं है। आइए ट्राई करते हैं, मैं भी और आप भी जी। तो हम शुरू करते हैं जी। जरूर। अब ये टमाटर है जी, एकदम बढ़िया से टमाटर है, थोड़ा टाइट भी है जी। और हम कटोरी में अब हम इसको टमाटर, जैसे कि ये हार्ड, हाँ थोड़ा हार्ड चाहिए, हार्ड टमाटर चाहिए। तो ये पिलर है, इससे करेंगे तो अच्छा रहता है क्योंकि कटते नहीं साइड। तो हम यहाँ से इसको प्रेस करेंगे। वाओ। फिर हम इसको दो बार घुमा देंगे। निकाल दिया। अब इसको एक बार ऐसे घुमा के बीज है सारे उसमें निकाल देंगे। उसका सारा पानी टमाटर का निकाल दिया है। हम देखेंगे बीज नहीं है, एक बार हाथ निकल गया सारा जी। जब ये पूरा वाल हो गया अब हम इसको यहाँ रख देंगे, दूसरा ले लेते हैं। इस तरह से अंदर से बिल्कुल खाली होना चाहिए, दूसरा को भी करेंगे। ऐसे ऐसे करके सभी टमाटर का बीज भी और उसके अंदर जो पानी है वो भी निकाल देंगे क्योंकि वो टेस्ट खराब कर देते हैं। अक्सर लोग वैसे भी टमाटर के बीज निकाल देते हैं, वो किस लिए? आपको इसका कोई बीज ऐसे भी उतना और अच्छा नहीं होता है माना जाता है जी। तो बीज नहीं होते तो अच्छा लगता है टेस्ट भी, और मुख में भी वो बार बार आते हैं तो अच्छा नहीं मानते हैं। फिर हम
ये डिश भी आपने यहीं आकर सीखा? सब यहीं सीखा हूँ। जी अब ये रेडी हो गया है। ये आपका पूरा बाउल में निकाल दिया है, जो भी टमाटर के अंदर बीज था पानी वो भले सूप में डाल सकते हैं पूरा सारा। अच्छा ये सूप के लिए यूज करते हैं हम लोग, लेकिन अभी ये रेडी है। अब इसका पहले मसाला रेडी कर देते हैं। जी तो इसमें हम अब सबसे पहले हम थोड़ा सा ये अदरक डाल देते हैं। जी एक चौथाई हिस्सा स्वाद अनुसार से, चम्मच का एक चौथाई हिस्सा वो पनीर के अंदर डाल दिए। इसके बाद अब हम अदरक तो डाल दिए। जी अब इसके बाद हम ये मसाले डालेंगे। अब थोड़ा ये नमक है आधा चम्मच, हाँ जितना लगेगा उस हिसाब से, मैक्सिमम आधा चम्मच तो लगता ही है। जी डाल दिए। उसके बाद थोड़ा सा हींग डालेंगे, एक चौथाई हिस्सा अदरक, थोड़ा सा हींग डाल दिए। उसके बाद थोड़ा गरम मसाला, ऐसे इसको गरम मसाला इसको जो है ना आप छौंक भी लगा के डाल सकते हैं। अच्छा लेकिन हम नहीं लगाएंगे ऐसे। अब ये हो गया रेडी है। जी थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। इसमें आपने लाल मिर्च, लाल मिर्च नहीं वो हरा मिर्च हम डाल देते थोड़ा सा। जी पिसा हुआ नहीं है तो भी चलेगा, ऐसे डाल दिए। इसको हम ऐसे मैश करते हैं। जी इसमें आपने देखा कि इन्होंने लाल मिर्च नहीं डाले, अक्सर वैसे भी इनकी सामग्री में लाल मिर्च नहीं होती है, ये अक्सर हरी मिर्च यूज करते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है। अभी वो उसमें पनीर में डालने के बाद उसको मैश कर रहे हैं। अभी ये रेडी हो गया। जी अब ये रेडी है, तो इसको हम अब उसमें भरेंगे, इस टमाटर में डालेंगे। अब हम इसको, टमाटर रेडी है, मैं भी डाल सकती हूँ? हाँ डालिए बिल्कुल, थोड़ा चेक कर सकते हैं इसको नमक कितना है नहीं है। जी आप चेक कीजिए। नहीं आप बना रहे हैं थोड़ा सा आप पता है। जी इतना, हाँ थोड़ा थोड़ा डाल के पूरा पैक करना है। जी ये मैं टमाटर के अंदर डाल रही हूँ, इतना पूरा भरिए, पूरा भरना है। ऐसे भर दिया, अब इसको हम रखेंगे। वाओ बाहर भी नहीं निकल रहा है, टमाटर भी में नहीं फैला हुआ है, पूरा अपने अच्छे तरीके से, कमाल है। ये इजीली आराम से इसको बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। आराम से ही बनते हैं, कोई धड़पड़ नहीं है, इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। वैसे ये डिश यही की है, आपने यहीं पे जो सीखी है, यही की फेमस है या यहीं का है? ये हम पहले जो सीनियर दीदी दादी लोग है, बड़े भाई लोग, उन लोगों के लिए बनाते थे। जी तो हमने सीखा ये सब यहीं। अच्छा लेकिन बहुत टेस्टी होता है, सबको पसंद आता है। बनाने से ही समझ में आ रहा है कि ये कितना टेस्टी होगा। इसका माप ही बराबर है शायद। जी मैक्सिमम 7 या 8 टमाटर आपने लिए, उसमें ये एक बाउल्स आपने पनीर का लिया, उसमें वो सारा जो आपके मसाले थे वो डाले, और इसको आपने पूरी तरह से, आप देख रहे हैं कि एक भी थोड़ा सा बाहर नहीं फैला हुआ है, एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा कि पानी में तर रहा है या कुछ ऐसा है। अमेजिंग, देखो मतलब टमाटर होता है कि ऐसा गल जाता है, लेकिन नहीं बिल्कुल अलग है। अब हम आगे की रेसिपी ग्रेवी बनाते हैं, तो रुक रहे। जी अभी आप इसमें कितना तेल डालेंगे? तेल डालेंगे 2 चम्मच से थोड़ा ज्यादा। जी
क्योंकि 8-10 टमाटर है तो हम मैक्सिमम 3 चम्मच, हाँ 3 चम्मच मानिए, 3 चम्मच डाल दिए तेल। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, तेल कोई सा भी यूज कर सकते हैं। हाँ तेल सरसों का हो, तिल का हो, रिफाइंड हो जी। अब थोड़ा सा हम राई डालेंगे, राई 1/4 हिस्सा, जीरा थोड़ा डाल देंगे, जीरे का भी 1/4 हिस्सा, हींग भी 1/4 हिस्सा, 1/4। अब इसके बाद थोड़ा बेसन डालेंगे जी। ये बेसन है देते हैं। 8 टमाटर के लिए सिर्फ 2 चम्मच बेसन डाल दिए। अब इसको हम अच्छा से भुनेंगे, भुन रहा है, भुनेंगे तो उसका रंग, हाँ, थोड़ा सा ये भी डालेंगे, अदरक डाल दिए, आधा चम्मच अदरक डाल दिए, आप देख रहे हैं कि इसका रंग बिल्कुल, थोड़ा सा हल्दी भी डाल देते हैं, हल्दी है, आधा चम्मच हल्दी डाल दिए। अब उसके बाद हम ये टमाटर का ग्रेवी है, आधा बाउल्स टमाटर की ग्रेवी, अब ये हम डाल देते हैं इसमें। जहां तक मैंने देखा है आपके अक्सर सामग्री में आप बेसन बहुत यूज करते हैं। बेसन इसलिए कि ताकि उसका जो ग्रेवी है वो थोड़ा अच्छा देखने में भी अच्छा लगे और टेस्ट भी उसमें आता होगा। नमक है, ये डाल देते हैं नमक, थोड़ा आधा चम्मच नमक। नमक आपने उसमें भी डाला है, इसमें भी डाला है, हाँ तो वो तो अंदर रहेगा तो उसमें तो चाहिए चाहिए। जी जी जी। अब ये जब तक ये पूरा पकेगा तब तक हम दूसरा इसको थोड़ा सा फ्राई करना है उसको। जी। अब इसको हम चालू करते हैं जी। ठीक है, बस हो गया, सिर्फ फ्राई करने, फ्राई करने के लिए मैक्सिमम 3 या 4 चम्मच। हाँ 3-4 चम्मच है। आपने कभी अपने घर में ये रेसिपी नहीं बनाई? नहीं, कभी मेरे को ये सब पता भी नहीं था कि ऐसे भी बनता है। तो अब हम इसको डालते हैं इसमें, आप देख रहे हैं कि आपका टमाटर उस तेल में फ्राई किया जा रहा है। एक साथ में 2 भी डाल सकते हैं जी। ये इसलिए डाले हैं इसमें क्योंकि इसका जो ऊपर का जो छिलका है ना, ये वो निकल जाएगा। हाँ वो निकल जाएगा। छिलका निकल जाएगा तो वो टमाटर तो सिर्फ एक मतलब बचेगा क्या फिर? वो तो गल जाएगा सारा। हाँ जलेगा। तेल भी डाल देते हैं। फिर उसका छिलका निकालने के बाद आप वो टमाटर इस ग्रेवी में डालेंगे। हाँ, ग्रेवी में डालेंगे। जहाँ तक आपका ये ग्रेवी भी तैयार हो रहा है, वो भी तैयार हो गया है। जी।
देख रहे हैं पूरा टमाटर फिनिश हो चुका है। अब ये हो गया, इसको बंद कर दिया। ये ग्रेवी तैयार है, तो हम अब ये लेके इसको थोड़ा ऊपर का है निकाल देते हैं, मदद करेंगे? जी बिल्कुल। ये तला हुआ टमाटर है, आप देख रहे हैं कि इसका टमाटर का जो छिलका है हम इसको निकाल रहे हैं। कितना इजीली वो टमाटर का छिलका निकल रहा है। थोड़ा संभल के, छिलका निकालने के चक्कर में आपका टमाटर इधर से उधर ना गिर जाए। आपका ये पनीर बिल्कुल भी बाहर नहीं आया है, बाहर नहीं आएगा जी। थोड़ा सा और ज्यादा फ्राई करेंगे तो फिर वो बहुत नरम हो जाएगा। फिर वो ये सिर्फ फ्राई करें कि ये छिलका निकालना है। अच्छा। बाकी तो अगर नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं। नहीं, वैसे भी छिलका एक वेस्ट ही टाइप में लग रहा है। अगर आप छिलका निकाले तो काफी अच्छी बात है। सिर्फ एक मटेरियल आपके पास रह जाएगा और छिलका आपका निकल जाएगा। ये तो काफी अच्छा लग रहा है जी। आपका ये टमाटर काफी हद तक रेडी है। छिलका निकालने के बाद भी आप देख रहे हैं ये वैसा का वैसा ही है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं नजर आ रहा। ये रेडी है जी। अब हम इसको देख लेते हैं। आपका उधर ग्रेवी भी रेडी हो गया है। एक एक करके हम डाल देते हैं। आप देख रहे हैं कि वो टमाटर उस ग्रेवी में डाला जा रहा है। अब इसमें हम सुंदर लग रहा है देखने में। अब जो है इसमें थोड़ा थोड़ा अब थोड़ा सा रेड मिर्ची हम गरम मसाला यूज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रेड मिर्ची है, ये भी एक चौथाई हिस्सा। थोड़ा सा गरम मसाला आधा चम्मच। आधा चम्मच नमक हम ऑलरेडी डाले हुए हैं जी। अब एक बार इसको हम चला देते हैं, मिक्स करेंगे उस ग्रेवी में जी। आप थोड़ा रस चाहिए तो हल्का रस डाल सकते हैं पानी जी। थोड़ा सा पानी भी आप डाल सकते हैं बीच में पकाने के लिए। बस इसको बढ़िया से ला देते हैं। आप एक बार नमक चेक कीजिए इसका जी। नमक टेस्ट, वाव, थोड़ा और मेरे अंदाज से थोड़ा और नमक लगेगा। और मेरे अंदाज से अगर आपने पानी डाला है तो थोड़ा सा अगर आप डाल सकते हैं तो डालेंगे, वैसे अदरवाइज नमक बिल्कुल एकदम इतना सा डाल देते हैं। अब ये हो गया है, इसको हम थोड़ा देर के लिए ढक देंगे जी। 5 मिनट के लिए हम इसको ढक देते हैं जी। इसमें आपने ये डाला तो जैसे आपने बोला 5 मिनट तक पकेगा। बाय चांस अगर आपका ये टमाटर ऐसे ही रहा वो तो अच्छी बात है, लेकिन गल गया तो रेसिपी का एक थोड़ा सा नहीं गलेगा। नहीं गलेगा, हम कुकर में भी बनाते तो भी नहीं गलते। नहीं गलते,
ऐसे का ऐसा ही रहता है, सेम वही डिश रहती है, वो पूरा पक जाते हैं बाकी वो गलते नहीं। ये टमाटर के लिए बिल्कुल हार्ड ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा कम भी हार्ड हो तो भी चलेगा चलेगा जी, जी, लेकिन जी। वो क्या है, वो निकालते समय कभी काल वो दब जाते हैं, फट जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइट होता है तो अच्छा रहता है निकालने में। वैसे इसका फायदा हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? स्वास्थ्य के लिए तो पनीर भी डाला हुआ है। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है, अच्छा है, ज्यादा मिर्ची मसाला नहीं होता है, नॉर्मल है, अच्छे सब खाते हैं। आपने इसमें एक बात और बोली कि जैसे मैं बातचीत कर रही थी आपके साथ, उसमें आपने ये बोला कि जब हम भोजन बनाते हैं तो हमें मौन में रहना चाहिए। आपके ज्ञान के अनुसार मौन की क्या परिभाषा है? कहीं भी, चाहे धार्मिक स्थल में भी हो, कहीं भी होता है, जो भी भोजन बनाते हैं तो वो ज्यादा करके साइलेंट में, मन साइलेंस में होता है, और परमात्मा की याद में वो बनाते हैं, तो उसमें ताकत भी मिलते हैं। मन जैसे अन होता है बोलते हैं, वैसे मन हो जाता मन है, तो होता जैसे है। हम उसमें वाइब्रेशन देते हैं तो खाने वाले का जो मन है वैसा ही हो जाता। लेकिन अक्सर गृहिणी जो है, जहाँ तक आपके ज्ञान को थोड़ा सा हटा के मैं बात करूं, गृहिणी जब वो भोजन बनाती है तो वो एक हाथ में पेड़ा लेके वो इधर भी जा रही है, वो उधर भी जा रही है, उसको अपना परिवार देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, पति को देखना होता है, फैमिली को देखना होता है, इसलिए तो उसमें क्या इसलिए कहा गया है, जब भी भोजन बनाते हैं तो पूरे हर चीज से कट होके मना बुद्धि को क्लियर करके तभी रसोई घर में जाना चाहिए। अच्छा। और तब जो है मन बुद्धि शांत हो उसके बाद ही भोजन बनाना चाहिए। उसके बाद जो परिवार में जो भी खाते हैं उसका भी वही स्वभाव संस्कार अच्छे बन जाते हैं। क्योंकि अक्सर जब भी हम भोजन बनाते तो गुस्सा भी, तो फिर हमने तो एक गुस्सा किया लेकिन दूसरे ने तो 10 लोग खाएगा, 10 लोग गुस्सा करेगा, वो एक वायुमंडल बन जाते हैं। इसलिए हमारे कहने का यही है कि जो भी रसोई में जाते हैं किचन में बनाने के लिए, वो जरूर 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, परमात्मा के याद करे, उसके बाद ही शुरुआत करे। फिर बीच बीच में एकदम चेक करना है कि हमारे मन कहीं और जगह तो। हाँ, ये बात मैं आपसे पूछने वाली थी कि मुख से तो हम मौन हैं, लेकिन मन में जो चेक करना होता है बार बार कि वास्तव में हमारे मन कहीं और तो नहीं है, जिस कार्य के लिए हम कर रहे हैं उसमें हमारा पूरा तन मन और समय संकल्प सब जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो बार बार चेक करके उसको चेंज करना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले अपने आप को चेक करें कि हमारा मन बुद्धि कहाँ है, तभी हम अपने किचन में जाएं। ये सबसे अच्छी बात बताई कि अगर हम, खासकर ये गृहिणी के लिए, अगर हम भोजन बनाने के लिए जाते हैं तो अपना मन और बुद्धि दोनों स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि वो भोजन बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने सदस्यों को वो भोजन बना रही है। मैं ये सही कह रही हूँ? क्योंकि वो भोजन खाने वाला हो सकता है आपके परिवार में 10 भी हैं, 2 भी हैं और 15 भी हैं, वो भोजन का असर उनके स्वास्थ्य के लिए जरूर पड़ता है। ये आप ध्यान रखें, परमात्मा की याद में भोजन बनाएंगे, वो भोजन अवश्य ही एकदम टेस्टी भी बनेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। जी, आपका 5 मिनट, हाँ 5 मिनट अब हो गया है जी, अब हम देख लेते एक बार जी, रेडी है जी, अब ये पक गया है पूरा जी, एक बार और हम थोड़ा सा हिलाते, ये हो गया है जी, अब हम इसमें 2 चीज डालेंगे बाद में। 2 चीज वो आपकी मेरे को, ये दालचीनी पाउडर है ओके, और ये धनिया, मतलब ये एक टेस्ट के अनुसार एक फ्लेवर ऊपर से डालेंगे आप जी जी। और इसमें हम, अगर आपको ग्रेवी में भी पनीर डालना है तो वो भी कद्दूकस करके थोड़ा डाल सकते हैं, तो ऊपर से भी, हाँ ऊपर से भी, तो और अच्छा लगता है देखने में जी। आप ये ट्राई कर सकते हैं, आपके घर में अगर कोई परिवार आता है, परिवार के मतलब कुछ सदस्य आते हैं, कुछ मेहमान आते हैं, उनको दिखाने के लिए आप थोड़ा सा ग्रेवी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका फ्लेवर और जो भी है उसमें और चीज डाल सकते हैं जी, जैसे काजू हो गया, उसको भी पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, तो और टेस्ट हो बढ़ जाते। सुन रहे हैं कि इसमें आप काजू भी डाल सकते हैं जी। सब रेडी है जी, अब हम ये दालचीनी पाउडर है ये थोड़ा सा डाल देते हैं
लास्ट ये छोटा चम्मच, उसमें भी एक चौथाई हिस्सा। अब ये हम धनिया पाउडर है, धनिया पत्ती जी, अब ये थोड़ा सा हम डाल देते हैं। धनिया डाल के कुछ अलग ही देखने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लग रहा है, हरा हरा। अब इसको बंद कर देते हैं जी। मतलब आपकी ये टमाटर पनीर भरकर एक रेसिपी रेडी हो गया। वैसे आपने इसका नाम क्या बताया था? इसको बोलते हैं टमाटर पनीर भरके, टमाटर पनीर भरके बनाते, मतलब भरकर बनाना जी। ये पूरी तरह से रेडी है, अगर मैं इसको टेस्ट करना चाहूँ तो जरूर कर सकते हैं, टेस्ट के लिए ही है, हम देते हैं। तो थोड़ा सा गर्म है, ध्यान दीजिएगा। छोटा दो या बड़ा साइज? नहीं नहीं, छोटा ही काफी है। गरम है, वाव, अमेजिंग यार। मतलब काटने के बाद भी आपका वो आधा पनीर उस साइड गया है और आधा पनीर इस साइड आया है, वो फैला नहीं है। आप इसका एक चौथाई हिस्सा भी कर सकते हो। देखिए क्या डिश है, मतलब हम भी अगर टमाटर डालेंगे वो टमाटर गल जाता है, फट जाता है, उसके अंदर जो आपने सामग्री डाली है वो फैल जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आप खुद उसको फाड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो यार, बनाया है, मदद की है, थोड़ी सी बनता है, थोड़ा सा टेस्ट करना। बहुत ही लाजमी आपका ये रेसिपी बना है, मतलब टेस्ट लाजमी, मतलब टेस्टी, बहुत टेस्टी, शब्द नहीं है कहने के लिए। आपने ये टमाटर पनीर भरता बनाया है, बहुत ही अच्छा लगा। और अगली भी, आगे भी कड़ियों में आप हमारे इस कार्यक्रम में आते रहिए और इस तरह की नई नई रेसिपी हमारे दर्शकों को दिखाते रहिए। आप हमारे इस कार्यक्रम सारे नई हैं जी, बिल्कुल, आपने अभी तक है, आप लोगों के लिए जी, नई हो सकते हैं। जी जी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत आपको धन्यवाद, धन्यवाद सेवा का मौका दिया जी। वाव, मुझे बहुत मजा आया, आपको कितना आया मैं नहीं जानती, 100% मुझे बहुत मजा आया। इनफेक्ट मुझे एक भी रेसिपी नहीं आती थी, यहाँ पर ट्राई करने के बाद मैं अपने घर में थोड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी होता है, बस ट्राई करना है यार, जैसा भी है, कच्चा पक्का पकाओ, उसको खाओ, बनाओ। ये आप बनाने की मदद करेंगे दूसरों के साथ और खुद भी अकेले बनाने की कोशिश करेंगे, आपका परिवार बोलेगा नहीं यार, मेरी लड़की, मेरा लड़का, मेरी गृहिणी कुछ अच्छी चीज हमको बनाकर खिला रही है। आज हमने सीखा टमाटर पनीर भरता, उसमें उन्होंने बेसन भी डाला, अदरक डाला, साथ में ये आपने सुना होगा दालचीनी पाउडर, दालचीनी पाउडर और हरा धनिया। खासकर सबसे बड़ी बात है यार कि उसका ये जो वेस्ट है वो सारा निकाल दिया आप, और साथ में उन्होंने उसमें सामग्री कितनी कितनी मात्रा में डाली वो भी आपको पता है। अगली कड़ी में नए रेसिपी के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इस कविता को इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।